हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तैयारी जीआरएफ की लेक्चर 4। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 एमसीक्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, ठीक है। और लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज 25 प्लस 25, ठीक है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग इजीली देख सकते हो, ठीक। अगर आप क्विजेस वगैरह प्ले करना चाहते हो तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, यहाँ पे आपको डिफरेंट आर्टिकल्स और बजट वगैरह की पीडीएफ भी मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा, वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अपडेट्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए, ये तो था एक जनरल एडवर्टाइजमेंट, चलिए अब चलते हैं आगे। सो 25 एमसीक्यूज हैं और 25 एमसीक्यूज में से आप चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चंस ऑनेस्टली ठीक हो रहे हैं। जहां पे आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मुझे समझना है तो उसको वीडियो पॉज कर लेना, और आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितनी है, ठीक है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी ज्यादा है या कम है वो यहां से पता चल जाएगा, ठीक। तो आंसर कमेंट करिएगा, जो प्रीमियर शो है इसमें लाइव का ऑप्शन, लाइव कमेंट का ऑप्शन ऑन रहेगा, ठीक। चलिए, नंबर वन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। ओके, लास्ट टाइम एक डाउट भी आया था या फिर एक क्वारी आई थी कि जो वीडियोज हैं वो ज्यादा लेंथी हो रही हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि 20 मिनट्स के अंदर खत्म हो, ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे, ठीक। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी का कौन सा अजम्पशन नहीं है? न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और लॉन्ग रन। थोड़ा इजी से हम लोग शुरू करते हैं, तो अगर आपने अजम्पशंस पढ़ी हैं तो आंसर सी जो है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ये पार्ट नहीं है, ठीक है। वो बात करते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की, मतलब देर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन द क्लासिकल मॉडल प्राइजेस आर डिटरमाइंड इन लेबर मार्केट। तीन मार्केट है, लेबर मार्केट, गुड्स मार्केट, मनी मार्केट। ये तीनों ही फॉर्म को अच्छे से कर लेना, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाई इन द गुड्स मार्केट, आउटपुट इज डिटरमाइंड इन द मनी मार्केट एंड ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आंसर क्या है फटाफट पोस्ट करेंगे, और अगर टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक। तो प्राइजेस जो है वो है मनी मार्केट से रिलेटेड, और इंटरेस्ट रेट जो है वो है गुड्स मार्केट से रिलेटेड, बिल्कुल करेक्ट है। और आउटपुट जो है क्लासिकल के अकॉर्डिंग वो है लेबर मार्केट से रिलेटेड, तो जो बी ऑप्शन है इट इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सेज, मींस अकॉर्डिंग टू QTM, सेज दैट आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू प्राइस, दैट प्राइजेस आर प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई, दैट नॉमिनल नेशनल इनकम इज इक्वल टू मनी सप्लाई एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर टेक प्लेस इन द शॉर्ट रन, ठीक है। QTM है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, और क्लासिकल की थ्योरी है, फिशर की थ्योरी है, तो आपको माइंड में इंडिकेशन दे गया होगा जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है, प्राइजेस आर प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई। ओके, नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू केन्ज, व्हाट कॉजेस चेंजेस इन इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट बाय एंटरप्रेन्योर्स, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के बारे में कौन से कारण ऐसे हैं जिससे इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, मतलब जो प्रेरित निवेश होता है वो इफेक्ट होता है, ठीक। एमपीसी एंड एमईसी, एमईआई एंड एमईसी मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एंड एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू स्पेंड दैट इज सेविंग, एमईसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एमपीसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज, और क्लासिकल मतलब क्लासिकल तो डिफरेंट बात करते थे, लेकिन केन्ज कहते थे कि जो आपका इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट है, ठीक है, दो चीज पर डिपेंड करते हैं, एमईसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सी आंसर यहां पे करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन केन्जियन मॉडल ऑफ इनकम डिटरमिनेशन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अकर्स ड्यू टू, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप एक इसमें एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी लेवल ऑफ इनकम, प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो आंसर आपको इजली फाइंड आउट हो जाएगा अभी। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज चेंज इन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन एम इक्वल टू के पी टी इज प्रोपाउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट, ठीक है। एक कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे और जो दूसरे थे वो थे क्यू टी एम मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट,
तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जो थ्योरी थी वो थी कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच। लेकिन जो कैम्ब्रिज इक्वेशन या फिर कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट की थ्योरी थी वो कौन सी थी, फटाफट कमेंट करेंगे। कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने कौन सी अप्रोच दिया था, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कमेंट करेंगे। उसी 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 में ये चार चीजें इंक्लूड हैं, ठीक है। सो दैट मीन कैश बैलेंस अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच दिया था कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने। तो चारों प्रोफेसर उसमें थे। तो यहां पे कह रहा है एम इक्वल टू के पी टी, ठीक है। एम इज मनी सप्लाई और पी इज प्राइस, टी इज ट्रांजेक्शन और के इज पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यहां पे जो ट्रांजेक्शन माना था वो माना था रॉबर्टसन ने। फटाफट बताएंगे केन्ज ने क्या माना था, मार्शल ने क्या अज्यूम किया था और पिगू ने, ठीक। चलिए बता देते हैं फिर अब आगे चलते हैं। केन्ज मानते थे जो रियल सर्कुलेशन है मनी की वो, रॉबर्टसन मानते थे दैट इज ट्रांजेक्शन, मार्शल मानते थे इनकम, मतलब इनकम अज्यूम करके लेके चलते थे, और पिगू जो मेन वेरिएबल उन्होंने यूज किया पिगू ने वो क्या, रिसोर्स, ठीक। तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग चीजें यूज की कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने। चलिए तो यहां पे जो राइट आंसर था वो है रॉबर्टसन। चलिए नेक्स्ट वन, कैश बैलेंस अप्रोच इन क्यू टी एम या फिर इन क्वांटिटी थ्योरी एम्फसाइज ऑन कैश बैलेंस अप्रोच। आज जितना भी टॉपिक है ना ये क्लासिकल वर्सेस केन्ज के ही घूम रहा है, मोस्टली क्वेश्चन क्लासिकल वर्सेस केन्ज ही यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। सो कैश बैलेंस अप्रोच इन क्वांटिटी थ्योरी एम्फसाइज ऑन मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी एज मेजर ऑफ वैल्यू एंड मनी एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक। अभी आपको दो चीजें बताई थी, कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच। तो कैश बैलेंस अप्रोच के अकॉर्डिंग मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। और फटाफट कमेंट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच, कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच के अकॉर्डिंग क्वांटिटी थ्योरी एम्फसाइज किस पे करती है, ठीक है। कमेंट करेंगे ताकि और भी स्टूडेंट्स समझ जाएं, इन्हीं में से आंसर रहेगा उसका भी। चलिए यहां पे जो राइट आंसर है वो है बी। चलिए एट्थ क्वेश्चन, द एक्सपेंशन इन द मनी सप्लाई डजंट इफेक्ट द रियल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इंडिकेट्स। जो मनी सप्लाई है वो ना तो रियल आउटपुट को या फिर एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट नहीं कर रही। सो व्हाट इट मींस, सो इट मींस इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी एंड मनी इल्यूजन, ठीक। तो वीडियो अगर पॉज कर लेना अगर थोड़ा सा आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। अगर मनी सप्लाई का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है इकोनॉमी में तो न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी है। और व्हाट इज मनी इल्यूजन, मनी इल्यूजन कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट गिवन बाय हुम, इसको कमेंट करेंगे ताकि और बच्चे भी फटाफट समझें कि मनी इल्यूजन फर्स्ट टाइम किसने दिया था, ठीक है, गिवन बाय हुम। ओके क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हैड टू बी अडॉप्टेड टू कर्व आउट इन्फ्लेशन फ्रॉम द इकोनॉमी। इकोनॉमी से इन्फ्लेशन को गायब करना है, हटाना है, ठीक है, इन्फ्लेशन को कम करना है, मतलब प्राइजेस को कम करना है। तो अब बताइए कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट होने चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं पढ़ रहा, आप सीधा आंसर पे मूव करिए, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिए और जो आंसर्स हैं वो कमेंट करिएगा, लेकिन सोचने के लिए अगर टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर लेना, ठीक। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो कम करेगी, ठीक है, और टैक्सेस को जो है उनको इंक्रीज कर देगी। सो बी इज करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 10, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एम्फसाइज ऑन केन्जियन एम्फसाइज ऑन सप्लाई साइडेड एंड रैशनल एक्सपेक्टेशंस, ठीक। चलिए आंसर काफी इजी है इसका, क्योंकि आप मैक्रो इकोनॉमिक बहुत टाइम से पढ़ रहे हो तो ये चीज आपकी काफी रिपीटेड क्वेश्चंस में आती है, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट, केन्जियन अंडर एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई साइडेड लेफर कर्व, सप्लाई साइडेड एक्सपेक्टेशन है दैट इज लेफर कर्व एक्सपेक्टेशन, सप्लाई साइडेड एंड रैशनल, जो रैशनल एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। सो दैट मीन्स रैशनल एक्सपेक्टेशन, ऐसे रैशनल एक्सपेक्टेशन ये वाला वर्ड यहाँ आना चाहिए था। चलिए एनी वे, सो रैशनल एक्सपेक्टेशन दैट इज इन इफेक्टिवनेस ऑफ इकोनॉमिक्स मैक्रो पॉलिसीज, ठीक है। तो फर्स्ट का 3, सेकेंड का 1, फर्स्ट का 3, सेकेंड का 1 एंड सप्लाई साइड का 4, तो जो बी आंसर है करेक्ट है। ओके नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, विच आउट द फॉलोइंग इज फिनोमिना दैट लीड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। किसके कारण कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, कॉस्ट बढ़ने से
प्राइस बढ़ेंगे, और प्राइस बढ़ने की सिचुएशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो फटाफट बताएंगे कि क्या आंसर होना चाहिए। चलिए हम लोग लाइव राइट आंसर पे मूव करते हैं सीधा ही। आप लोग के पास थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेना, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है अगर वीडियो को कंटिन्यूएशन में एक्सप्लेन करें, ठीक है, सभी ऑप्शंस। तो जो राइट ऑप्शन है, इट इज अ सिचुएशन कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स महंगे हो गए, मतलब वेजेस महंगे हो गए हैं। वेजेस महंगे होने के कारण, जैसे लेबर महंगी हो गई है और रॉ मटेरियल महंगे हो जाने के कारण, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉस्ट बढ़ने के कारण आपके प्राइजेस बढ़े हैं। सो सी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। ठीक है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स हुआ है, सो बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड विल राइज। तो आपको पता होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइस में, ठीक है, कैसा रिलेशन है, फटाफट कमेंट करेंगे। बॉन्ड प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रिलेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड प्राइस का जो रिलेशन रहा है वो नेगेटिव है, ठीक। तो आपका ये वाला फर्स्ट वन, बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड बोथ विल राइज, तो हो नहीं सकता। बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड बोथ विल फॉल, फॉल का भी नहीं हो सकता। देखो, बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो बॉन्ड की जो जो वैल्यू है या फिर यील्ड है वो कम होगी, ठीक है। दैट मीन्स बॉन्ड प्राइस विल राइज एंड बॉन्ड यील्ड विल फॉल। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाइल एनालाइजिंग द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लार्क गेव मोर एम्फसाइज ऑन, ठीक है। आपने पता होगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में बहुत बार नाम रिपीट होता है क्लर्क का, लेकिन और भी इकोनॉमिस्ट है जो जुड़े हुए हैं, तो वो ज्यादा एम्फसाइज किस पे करते हैं, डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, बोथ एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो है नहीं। चलिए, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट कमेंट करेंगे। तो जो इसमें राइट आंसर है वो है आपका डिमांड फॉर लेबर, जिसे एम्फसाइज करते हैं क्लर्क। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ ऑर्थोडॉक्स, मीन्स अर्ली केंजियन। अर्ली केंजियन के बारे में बताना है, केंजियन इकोनॉमिस्ट से थोड़ा पहले, ठीक है। सो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज एक्सट्रीमली हाई। चलिए, आंसर क्या है, आप आंसर एक बार इस स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप आंसर दीजिए फटाफट कमेंट में, फिर मैं जो करेक्ट आंसर है उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखो, अगर दोनों ऑल्टरनेटिव अगर कंट्राडिक्टरी हैं, तो उसमें से कोई एक आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक में कह रहा है इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज एक्सट्रीमली हाई, और दूसरे में कह रहा है लो, ठीक है। इनमें से दो एक आंसर होना चाहिए। तो जो एक आंसर है, दैट इज इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी एक्सट्रीमली हाई होती है अकॉर्डिंग टू अर्ली केंजियन, मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग। सो चेंजेस इन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डू नॉट हैव द इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टेबल इफेक्ट ऑन लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, करेक्ट है। वो बोलते थे कि जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगा तो वैसे ही प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, अदर थिंग्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ज्यादा, करेक्ट है। डिमांड फॉर मनी इज अनस्टेबल, ये भी करेक्ट है। सो 1, 3 एंड 4, सो बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन स्टेटमेंट, अभी लिक्विडिटी ट्रैप से रिलेटेड है क्वेश्चन। सो लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन व्हेन द पीपल प्रेफर टू होल्ड मनी रेदर देन इन्वेस्टिंग इट। अब आपको पता होगा लिक्विडिटी ट्रैप, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इस साइड डिमांड फॉर स्पेकुलेशन, और जब मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी, ठीक है, होल्डिंग के लिए बढ़ जाती है, और रेदर देन इन्वेस्टेड, बिल्कुल फर्स्ट वन करेक्ट है। सो लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल प्रेफर टू इन्वेस्ट मनी रेदर देन होल्ड इट, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, गलत है। सो नेक्स्ट वन इज लिक्विडिटी क्रंच सिचुएशन, शॉर्ट सप्लाई ऑफ मनी इन द मनी मार्केट, ठीक है। लिक्विडिटी क्रंच मतलब शॉर्टेज ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, करेक्ट है। एंड क्रेडिट क्रंच मीन्स दैट इज शॉर्टेज ऑफ क्रेडिट इन द लोन मार्केट, या फिर दैट इज जो मनी चाहिए क्रेडिट के लिए उसकी सप्लाई कम है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर जो है वो है ए सी डी, ठीक है, ए सी डी। चलिए, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इम्पैक्ट। कौन सा टर्म्स ऐसा है जिससे ज्यादा प्राइजेस इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, और प्राइजेस ज्यादा इंक्रीज तब होंगे जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बूस्टअप करेगा या ज्यादा होगा, ठीक। तो पहले फोर ऑप्शंस जो है इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आंसर कमेंट करेंगे, और उसके बाद हम लोग
राइट आंसर पे मूव करते हैं, ठीक। और जितने भी है इससे क्या होगा, जो भी बोरोइंग होगी या फिर रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट्स वगैरह, इसको छोड़ के बाकी जो दो तीन है इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगा वो बढ़ेगा क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। नई करेंसी प्रिंट कर रहे हैं तो डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए नई करेंसी आरबीआई को प्रिंट करनी पड़ेगी, ठीक। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। सो फोर्थ वन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज 17th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। एमएसएफ के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो एमएसएफ इज ऑन द लाइन ऑफ द एग्जिस्टिंग एलईएफ। एलईएफ होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, जो एक आरबीआई का एक टूल्स है जिसको यूज करती है आरबीआई एंड इज पार्ट ऑफ इट, ठीक है। पहले समझ लीजिए कि एलईएफ है क्या। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, जिस रेट पे, जैसे रिवर्स रेपो रेट होता है ना वही, ऐसे मतलब अगर मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ जाता है उस सरप्लस फंड को आरबीआई क्या करती है, अपने पास ले लेती है थ्रू रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। मतलब कमर्शियल बैंक टू आरबीआई के पास फंड जा रहा है, लेकिन जो एमएसएफ है एमएसएफ के थ्रू आरबीआई टू कमर्शियल बैंक जाता है। एक स्पेशल विंडो है जिसके थ्रू लोन प्रोवाइड करती है आरबीआई, ठीक है, और उतना ही होता है जितना बैंक रेट होता है। सो आरबीआई प्रोवाइड कर रहा है कमर्शियल बैंकों को जो मनी, तो बिल्कुल अपोजिट, मतलब सेम नहीं है, ये पार्ट नहीं है, जो एलएएफ का एमएसएफ पार्ट नहीं है, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। चलिए आपके आंसर अकॉर्डिंग जो आंसर करेक्ट होना चाहिए उसको फटाफट पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, एमएसएफ इज कॉस्टलियर रूट देन रेपो रेट। करेक्ट है, रेपो रेट अभी 4% है तो एमएसएफ कितना है, जितना बैंक रेट है 4.25, ठीक, करेक्ट है। एमएसएफ फंक्शंस एज ए लास्ट रिसोर्ट फॉर द बैंक्स टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स। अब लास्ट में अगर कोई बैंक्स को कमर्शियल बैंकों को फंड नहीं प्रोवाइड करता कोई भी, तो आरबीआई उसको स्पेशल विंडो के थ्रू लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी के थ्रू। वो रेपो रेट से थोड़ा बड़ा होता है, ये ज्यादा होता है। सी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट डी ऑप्शन है, एमएसएफ इज लिंक टू द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। ठीक है, बैंक के पास जितना भी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जितना ही पड़ा है उससे लिंक है। डी भी करेक्ट है, तो जो राइट आंसर है दैट इज बी सी डी। ठीक, बी सी डी फर्स्ट वन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन 18th। रियल बैलेंस इफेक्ट रिलेट टू। रियल बैलेंस इफेक्ट रिलेट टू, ऑप्शंस बड़े बड़े हैं, इसको वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना, उसके बाद हम लोग सीधा मूव करते हैं करेक्ट आंसर की तरफ, ठीक, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। सो जो करेक्ट आंसर है इसमें, दैट मीन्स द इफेक्ट, दैट इज द इफेक्ट विच चेंज द वैल्यू ऑफ द रियल कैश बैलेंस हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक टू प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। सो दैट इज बी वन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 19। अगेन मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। सी आर आर, एस एल आर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, काफी इजी है, ठीक है। तो डायरेक्टली जो आंसर है उसमें हम मूव करते हैं। सी आर आर दैट मीन सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी इन कैश विद द आरबीआई। आरबीआई के भी जितना ही पैसा है सर्टेन प्रपोर्शन, ठीक है, जो अभी कितना है, अभी 3% है आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक का कुछ प्रपोर्शन, उनकी नेट जितना भी टाइम लाइबिलिटी है, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी है उसका। एस एल आर जो बैंकों के पास सर्टन प्रपोर्शन है, दैट इज सर्टन परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी कैप्ट विद बैंक इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। सो अभी जो है 18% है। नेक्स्ट वन रेपो रेट, कॉमर्शियल बैंक पेइंग इंटरेस्ट टू द आरबीआई। और उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, दैट मीन्स द इंटरेस्ट पेड बाई द आरबीआई टू कॉमर्शियल बैंक। तो कहने का मतलब है फर्स्ट वन 4th, सेकेंड वन 3, फोर्थ 3, इन दोनों में से एक हो सकता है ए एंड बी। राइट आंसर क्या है फटाफट कमेंट करेंगे। सो रेपो रेट इज फर्स्ट, सो बी वन जो है करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। सपोज दैट इन्वेस्टमेंट इन द गुड्स मार्केट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द इंटरेस्ट रेट। सो मतलब कि इन्वेस्टमेंट आपका इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट आंसर क्या है वो कमेंट करेंगे, और कुछ समझना है, एनालिसिस करना है तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो इसमें जो आईएस कर्व है वो वर्टिकल हो जाएगा, ठीक, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड आउटपुट या फिर इनकम है, तो आईएस कर्व जो हो जाएगा वर्टिकल हो जाएगा, दैट मीन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट इफेक्ट द आउटपुट इन द आईएसएलएम मॉडल।
और जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उसका आउटपुट को वो ना बढ़ा पाएगा और ना ही कम कर पाएगा इस एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, एग्जिस्टिंग या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा घटेगा तब भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो आई एस कर्व विल बी वर्टिकल. सो सी वन इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 21, हुज मॉडल ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन बिजनेस साइकिल. ठीक है, चारों की ही बिजनेस साइकिल थ्योरी है तो स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल यूज करते हैं कालडोर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 22, द स्कूल ऑफ थॉट दैट एम्फसाइज द न्यूट्रल टेंडेंसी फॉर एन इकोनॉमी टू मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इन्फ्लेशन इज नॉन एज. ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा विदाउट एनी इन्फ्लेशन. सो किसके अकॉर्डिंग, केजियन स्कूल, सप्लाई साइड स्कूल, रैशनल एक्सपेक्टेशन स्कूल या क्लासिकल स्कूल. ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है क्लासिकल से जुड़ा हुआ है, सो दैट मीन्स क्लासिकल स्कूल से ये कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है. ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग द कंजप्शन फंक्शन. कंजप्शन फंक्शन से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो इट्स स्लोप अपवर्ड, इट्स स्लोप्स इक्वल टू एमपीसी, इट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन स्पेंडिंग एंड द लेवल ऑफ रियल डिस्पोजेबल इनकम एंड ऑल ऑफ द अबव. ठीक, आंसर अपना पोस्ट करेंगे कमेंट. तो डायरेक्टली यहाँ पे आंसर निकलता है, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव, जितने भी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. ओके, 24th, सपोज द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग ऑन LM कर्व. थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस स्टेटमेंट को. LM कर्व में इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है बट नॉट ऑन द IS कर्व. गिवन दिस इंफॉर्मेशन वी नो दैट LM कर्व, अब आपको पता करना है कि LM कर्व में गुड्स मार्केट होता है या फिर मनी मार्केट होता है. ठीक है, यहां से आपकी स्टडी क्लियर हो जाएगी. तो जो LM कर्व में आएगा, LM कर्व जिसकी स्टडी करेगा वो मार्केट इक्विलिब्रियम में रहेगी. सो LM कर्व स्टडी करता है मनी मार्केट की. सो मनी मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट आर इक्विलिब्रियम एंड द गुड्स मार्केट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. तो ए जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं. ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू एम फ्रीडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज द थ्योरी ऑफ. ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज द थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, प्राइस डिटरमिनेशन, नॉमिनल इनकम एंड डिमांड फॉर मनी. ठीक, आंसर क्या है वो फटाफट कमेंट करेंगे. सो जो डिमांड फॉर मनी वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन. ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो थ्योरी है वो डिमांड फॉर मनी की है. चलिए, तो ये थे 25, अगेन 25 क्वेश्चंस फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे अब तैयारी GRF की, लेक्चर 5. आप लोग अपनी तैयारी प्रिपरेशन इसमें कैसी रही है वो थोड़ा कमेंट करना, कितने आंसर्स आपके करेक्ट रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 1. चलिए ठीक है, आप बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 1 के साथ. थैंक यू.